मौत से बदतर क्या होता है? कैसी जिंदगी जो आपको पल पल मार, हर दिन मार। अभी मैं कहीं आया हुआ हूँ और यहाँ कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करने को मुझे मिला है। बात यह है कि जिस बिल्डिंग में मैं फिलहाल अभी यहाँ रह रहा हूँ, उस बिल्डिंग के किसी दूसरे रूम में एक लड़की रहती है। वो लड़की, जो जितना मुझे पता चला उसके बारे में, वो पिछले 6-7 सालों से लगभग ड्रग्स ड्रग्स और ये सब ले रही थी और उसके साथ भी लिया करती थी। उसके साथ भी वो काइंड ऑफ रिलेशनशिप होती, बट नॉट दैट मच इमोशनली इन्वेस्टेड। और अभी शायद 3-4 हफ्ते या मुश्किल से 1 महीने पहले की बात है, वो एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आई और उसके साथ वो दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशनली काफी इन्वेस्टेड हो गए। और लड़के ने प्रॉमिस किया लड़के को कि वो जितनी भी उसमें बुरी चीजें, सारी बुरी चीजें नहीं, क्योंकि सिगरेट भी पीते, सारी चीजें तो लड़का भी पीते थे, तो उस लड़के के कंपेरिजन में, उस लड़के के हिसाब से जितनी भी बुरी चीजें, वो चीजें मैं छोड़ नहीं करती, ऐसा लड़के ने प्रॉमिस किया और कोशिश कर रही थी। बट अभी क्या होता है बीच में उठे कि किसी कारण से, स्पेसिफिक रीजन मुझे बताना अभी सही नहीं लग रहा है, बट किसी कारण से उनके बीच में एक टेंशन हो जाती है और गलती लड़की की होती है, लड़की खुद ऐसा मानती है कि गलती मेरी। अब जो लड़की है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं, तो उसे सपोर्ट करने वाला या फिर एक ऐसा पर्सन जिसे वो अपना कह सके कोई भी नहीं उसके पास, सिवाय उसके उस बॉयफ्रेंड के जिसके साथ उसने आगे के सपने देखे। लेकिन उसी लड़की के पड़ोस में एक रूम है और उस रूम में एक लड़का रहता है, तो उस लड़के के साथ भी उसका वो माल फूकना और ये सब चलते रहता है, नॉट रिलेशनशिप पर, ये जो नशे वाला रिलेशन है, ये माल फूकना ये सब उसके साथ चलते रहता है। तो अभी जिनके उसमें टेंशन हुई, तो बात ही कुछ ऐसी थी कि काइंड ऑफ चीटिंग समझा, काइंड ऑफ। तो जो लड़का था उसने मन बना लिया था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। लड़की ने क्या किया कि वो ये 5-6 मंजिला बिल्डिंग आई, उसकी छत में गई, बैठी और वहां से मतलब लड़की को ऐसा कहती थी मैं ऐसे सुसाइड कर लूँ। अब फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली कह लो, जो भी कह लो, मुझे हल्का सा अंदाजा लगा कि तो उनके पास से वो गुजरी, तो मैं भी छत पे गया था, मेरे कपड़े भी थे छत में। तो मैं जब छत में गया तो मुझे वहां पर दिखी, मुझे लग रहा था रोते रोते जा रही थी, कुछ टेंशन था और वहां पर बैठी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा, और एक दूसरी लड़की भी, तो उसने भी उससे पूछा कि मतलब क्या क्या मैटर हो रहा है। और तो उसने फिर चीजें बताई कि ऐसा ऐसा है और मैं मतलब मरना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ। अब मैं नहीं जानता वो ब्लफ कर रही थी या फिर सच में उसके माइंड में ऐसे थॉट था, बट मेरा मानना है कि कभी भी कोई सुसाइड अटेम्प्ट करे तो उसे ब्लफ मान के नहीं चलना चाहिए, उसे सीरियस ही मान के चलना चाहिए। तो एक बार मैंने उसे पकड़ के निकाला भी दूसरी साइड, लेकिन वो फिर बैठ गई। उसके बाद उसे मैंने अभी उसका माल फूकने वाला जो दोस्त था उसका, उसके बारे में जो था उसके मतलब लगभग 1 आधे घंटे के बाद, 1 आधे घंटे में उसे समझाता रहा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पर फिर वो दोस्त आ गया था उसका। और उसके बाद उस दोस्त ने उसे निकाला, उसके साथ बातचीत की, उसके बाद उन्होंने बैठ के माल फूका, पार्टी वार्टी की और लगभग सब चीजें ओके हो गई। ओके मतलब उस लड़की के दिमाग में चीजें ओके हो गई थी, लड़की और जो लड़का है बॉयफ्रेंड उसका, उनके बीच में चीजें अभी ओके नहीं। तो अब लड़की लड़के को कह रही थी कि आप तुम आओ मेरे साथ, मैं सॉर्ट आउट करो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि लड़की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो लड़की का मतलब कोई भी नहीं उसके उस बॉयफ्रेंड के अलावा, और कोई भी नहीं जिसे वो अपना कह सके, कोई फैमिली मेंबर भी लगभग ना बराबर कह रहे, कोई फैमिली मेंबर नहीं है कुछ। तो एक तरफ से जैसे हम लोग हैं तो प्रिविलेज्ड ही कहूँगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन जो कुछ एक चीजें हमारे पास कमी रह जाती है, जैसे हम लोग कई बार शिकायत करते हैं कि यार हमें कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं रहा, जो कि हमें एजुकेशन के फील्ड में, कैरियर के फील्ड में गाइड करे। बट अगर आप दुनिया में देखें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें जिंदगी कैसे जीनी है, और एक छोटा सा जो इमोशनल सपोर्ट सपोर्ट होता है, लेकिन इतनी बेसिक चीज तक के लिए उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं।
कंपैरिजन में अगर हम खुद को देखें तो बहुत लकी। तो मैं फाइनली आपको बता दे रहा हूँ क्या हुआ है। तो अभी क्या है कि लड़के ने उसे कह दिया लड़की को कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। लड़के ने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया लड़की को, और लड़के ने क्योंकि लड़की ने मेरे फोन से भी उसे एक बार कॉल किया था, तो लड़के ने मुझे कहा था कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, पूरा फसल कर दी। मतलब धमकी नहीं दी थी, उसने बताया था कि मतलब कुछ भी चीजें हो सकती हैं गड़बड़, तो उसमें तुम फंस सकते हो। और जो उसका माल फूटने वाला दोस्त था उसकी साथ, उसने भी मुझे अभी जस्ट अभी आया, तो कह रहा था वो लड़की कहाँ गई, तुम बताऊंगा अभी कहाँ गई। उसने मुझे कहा कि यार वो ऐसी है साइको टाइप, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। मैंने भी उसका फोन वोन कुछ नहीं उठाया, और मतलब एक तरीके से हर किसी ने उससे पला झाड़ लिया। मैं नहीं जानता हूँ कि वो साइको टाइप है या फिर उसे, उसने मुझसे कहा तो था कि उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। वो बात सच भी है, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है पड़ती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड था उसका। और क्योंकि तो लड़की की पूरी मतलब लड़की के पास कभी भी कोई गाइड करने वाला नहीं रहा उसे लाइफ को लेकर, तो उसे नहीं पता है कि उसने उसे क्या डिसीजन लेनी चाहिए क्या नहीं। और पिछले 7-8 सालों में वो ड्रग्स और ये सब भी करती आ रही है, तो उसके लिए मतलब जो एस्केप है किसी भी स्ट्रेस से बचने का वो यही है, ड्रग्स नशा मार ये सब चीजें। तो अभी क्या हुआ है कि जिस जो प्रॉब्लम थी उसका एक्स के चक्कर में कुछ चीटूट का कुछ लफड़ा चल रहा था, कि मतलब जो भी चैटिंग वैटिंग का कुछ था। तो अभी क्या कि फाइनली जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कह दिया कि मैं तुझको मतलब नहीं रखना चाहता हूँ, तो अभी वो लड़की ने क्या कहा है अपने बॉयफ्रेंड को कि मैं तुझको बर्बाद कर दूंगी ये वो सब, और अपने जो एक्स कह रहे हो मतलब उसके साथ उसका वो 7-8 साल का वो उसे काइंड ऑफ रिलेशन भी था, बट मैनली उनका ये नशे वाला रिलेशन था। तो अभी वो उसके पास गई है आज, और मैंने उसे समझाने की कोशिश तो की थी कि इसके बजाय एक अच्छा ट्रैक चूज करो, बट मुझे नहीं लगता है कि अब उसका माइंड सेट चेंज किया जा सके। तो ये चीजें देख के मतलब मुझे मुझे क्या किसी को बहुत ही अपसेट फील होगा कि कैसे कोई पर्सन जस्ट बिकॉज उसके पास एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है या फिर कोई गाइड करने वाला नहीं, वो कैसे अपनी लाइफ में स्पॉइल कर। अभी हालांकि क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत सारे काम कर रहा हूँ, तो अपनी तरफ से मैंने पूरा एफर्ट किया उस लड़की को कितना भी समझा पाऊँ, बट अभी मैं खुद भी मतलब इस मामले में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे लग रहा है कि समझाने का कोई फायदा नहीं, और उसने जो चीज़ें उसने करनी है वो उसने करनी है। बट एक जो चीज़ मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में ये चीज़ें कल्चरल लेवल पे कह लो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स कह लो, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि ऐसे यूथ से ऐसे लोग जिनके पास कोई ऐसा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है या तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ही अच्छा सोशल सर्कल, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए उन्हें, ऐसा कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया जाए। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए। और एक बात और, जैसे होता है ना कि आपके अंदर एक ख्वाहिश रहती है, एक क्या कहते हैं, एक जज्बा रहता है, जोश रहता है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। तो जब ऐसी चीजें होती है ना आपके सामने, आपको मतलब सोसाइटी की एक ऐसा चेहरा भी दिखता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वो चीजें आपके अंदर से खत्म हो जाती हैं या फिर कम हो जाती हैं, भले टेम्पोरेरी सही मतलब 6 दिन के लिए सही। ये हो जाता है कि यार एक तरफ चीजें मतलब इतनी बुरी हैं सोसाइटी में, इतना कुछ झेल रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ में कैसे ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाओ इस चीज की दौड़ में लगे, मतलब जबकि पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि कम से कम जो लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जाने अनजाने में, और जिन लोगों को इतनी ज्यादा नीड है एक सपोर्ट सिस्टम की, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं उनके लिए काम किया जाना चाहिए। पर अफसोस ये काम कोई भी बंदा इंडिविजुअल लेवल पर नहीं कर सकता, ये काम एज अ सिस्टम करना पड़ेगा, एज अ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव से कोई जो भी बड़ा सिस्टम उसके थ्रू ही ये काम किया जा सकता। तो बस ये शेयर करना था मुझे।